you come to Jesus and say, Lord, I want eternal life, which is to know you. और यदि आप यीशु के पास आकर के कहेंगे कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता हूं, जिसका अर्थ है तुझे जानना, the first thing the Lord will show you is how to be humble. तो पहली बात जो प्रभु आपको दिखाएगा वह यह है कि कैसे नम्र बना जाए. How to think less about yourself and more about other people. और कैसा अपने विषय में कम सोचा जाए और दूसरों के विषय में ज्यादा परवाह की जाए. How to consider other people as more important than yourself. और कैसे दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाए. And to think nothing about yourself. और अपने विषय में कुछ नहीं सोचने के बारे में. See, Jesus said, the Bible says in Philippians chapter 2 and verse 3. और फिलिपियों की पत्री दो अध्याय और उसके तीसरे वचन में बाइबल कहती है. Philippians 2 verse 3. फिलिपियों की पत्री दो अध्याय और उसका तीसरा वचन. With the middle, with humility of mind, consider everybody as more important than yourself. और यहाँ पे तीसरे वचन के मध्य भाग में लिखा है, पर मन की दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो. My dear brothers and sisters who are listening to me today. मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो आज की संध्या मुझे सुन रहे हैं. Look at that verse like looking into a mirror. और इस वचन को आप वैसा ही देखें जैसे आप एक आईने में देख रहे हैं. And be honest. और आप ईमानदार होइए. Can you honestly say that you consider other people as more important than yourself? और क्या आप ईमानदारी से ऐसा कह सकते हैं कि आप दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? Not more spiritual than yourself. अपने से ज्यादा आत्मिक नहीं. That is impossible. यह तो असंभव है. Jesus did not consider others as more spiritual than himself because that would be a lie. यीशु मसीह ने दूसरे लोगों को अपने से अधिक आत्मिक नहीं समझा, नहीं तो यह एक झूठ हो जाता. I don't have to consider other people as more spiritual than me because it may not be true. और मुझे दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा आत्मिक समझने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह फिर सत्य नहीं होगा. And you don't have to do that either. और आपको भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है. But it says consider them as more important. परंतु वो कहता है कि दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण समझो. Do you know that Jesus considered even Judas Iscariot as more important than him? और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा था? Because he washed his feet. क्योंकि उसने last supper. क्योंकि उसने अंतिम भोज के समय उसके पांवों को धोया था. Only slaves wash the feet of other people. केवल जो गुलाम होते थे वे ही दूसरे लोगों के पांवों को धोते थे. And on the last day of his life on earth, Jesus said, "I am like a slave." और अपने जीवन के अंतिम दिन में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं एक गुलाम के समान हूं. And you read in John 13, he said, "As I have done to you, you must do to one another." और यूहन्ना 13 में आप पढ़ते हैं यीशु ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम्हें दूसरे लोगों के साथ करना है. Be a servant of everybody. और हर एक लोगों का तुम्हें एक दास सेवक बनना है. Treat them all as more important than you. और दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है. See, that is how a child is. और इसी रीति से तो एक बच्चा होता है. A child does not think I am the most important person. और एक बालक ऐसा कभी नहीं सोचता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ. Think of a little baby which is just 5 days old lying in a cradle. और आप एक छोटे बच्चे के विषय में कल्पना करिए जो 5 दिन का है और उस बिछौने पे पड़ा हुआ है. Just born. और अभी अभी उसका जन्म हुआ है. What is the thoughts going on in that child's mind? और उस लड़के उस बच्चे के दिमाग में क्या विचार निकलते हैं? That child is not thinking how smart I am, how good looking I am. और वो बच्चा यह नहीं सोचता है कि मैं कितना बुद्धिशाली हूँ या कितना खूबसूरत हूँ. Those are the thoughts that go through the minds of older people. और ऐसे विचार बड़े लोगों के दिमाग से होकर के गुजरते हैं. Even when people stand around that cradle and admire that child and say, "Oh, what a beautiful child." और यहाँ तक कि जब सारे बच्चे उस बच्चे के सारे लोग जब उस बच्चे के पलंग के चारों ओर खड़े होकर के उसकी तारीफ करते हैं. They say, "What a beautiful child this is." और वे लोग कहते हैं कि कितना खूबसूरत प्यारा बच्चा है ये. Still the child does not have any pride thinking, "Oh, how beautiful I am. Everybody is admiring me." और इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी बच्चे के अंदर घमंड नहीं उत्पन्न होता है या कहते हुए कि इतने सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं. That is true humility.
और यही तो सच्ची नम्रता है। Where you are not affected by what people think about you, that you are such a wonderful man. जहाँ पे आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। If you are like Jesus, the whole world can praise you, and you will not. It will not puff you up in pride. यदि आप यीशु मसीह के समान बनेंगे तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर सकती है, परंतु आप कभी भी घमंड से फूलेंगे नहीं। Is that possible? क्या यह संभव है that everybody is praising you and you're still a humble person? कि हर व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है और उसके बावजूद भी आप एक नम्र व्यक्ति हैं? If you don't know Jesus, impossible. यदि आप यीशु को नहीं जानेंगे तो यह असंभव सा होगा। But if you know Jesus, very easy. परंतु यदि आप यीशु को जानेंगे तो यह बहुत ही आसान होगा। Because God gives us His life, that is eternal life. क्योंकि परमेश्वर हमें अपना जीवन प्रदान करता है और यही तो अनंत जीवन है। I don't have to manufacture the life of Jesus. और मुझे यीशु मसीह के जीवन को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। See, I feel that many people, when they hear the message of taking up the cross and following Jesus, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह का क्रूस उठाना और उसके अनुसरण करने के संदेश को सुनते हैं तो they think, now I have to make myself holy. तो वे लोग ऐसा समझते हैं कि अब मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है। I have to make myself love people. और मुझे ऐसा करना है कि लोग मुझसे प्रेम करें। I have to make myself humble. और मुझे अपने आप को नम्र बनाना है। You can try for 100 years. और आप 100 साल तक ऐसी कोशिश कर सकते हैं। Whatever holiness you make will be a false, fake holiness. और जो भी नम्रता आप प्रदर्शित करेंगे वह एक झूठी और नकली नम्रता होगी। Even the humility that you produce will only be to show other people, not really humble inside. और जो नम्रता आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे वह केवल दिखावे के लिए रहेगी, परंतु आपके अंदर नम्रता नहीं रहेगी। It's like these counterfeit items that are sold in the markets, which look like the real thing, but which is a fake. और यह ठीक वैसे ही नकली उपकरणों के समान होता है जो बाजार में बिकता है, जो बिल्कुल असली के जैसे दिखता परंतु असली नहीं होता है। There are many products which are well-known products which other people make a counterfeit, which looks like the real thing. और ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो बहुत प्रसिद्ध सामान हैं, लोग उनकी नकलें बनाते हैं जो ठीक उन्हीं के सामान दिखती हैं। Like that, there is fake humility, fake holiness. और उसी के समान एक झूठी नम्रता और नकली नम्रता, नकली पवित्रता होती है। The real humility comes from the Holy Spirit. जो वास्तविक नम्रता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। And when you have that, और जब आपके अंदर वह होती है, you will not be proud that I'm such a humble person. तो आपके अंदर घमंड नहीं होगा कि मैं इतना नम्र व्यक्ति हूं। So it's because the Pharisees were not humble that they were blind when they read the Bible. और सिर्फ इसलिए क्योंकि फरीसी लोग नम्र नहीं थे, जब उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया तो वे अंधे हो गए।